श्री राम। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणोमेंट्री, त्रिकोणोमेंट्री यानी त्रिकोणमित, त्रिकोणमित का पार्ट 3 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम सभी लोग बोलिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पार्ट 3 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा, यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा है, तो किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू बोल रहा है कि ए कॉस थीटा, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू बोल रहा है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। मान किसका निकालना है दोस्तों, ठीक है, मान हमें निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा दिया, बहुत ही आसान सिंपल ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ट्रिक पे ध्यान दीजिए, केवल ट्रिक बताएंगे, आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। जय श्री राम, जय गंगा मैया की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कॉस थीटा दिया हुआ है ना, एक्स वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए, मान रख दीजिए और कुछ नहीं करना है, एक्स की एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहां पर हो जाए, क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, और अपान में बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये बता, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ट्रिक पसंद हो लाइक करें शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों, जय गंगा मैया, गंगा मैया जी की कसम दोस्तों, बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा फालू ट्रिक बता रहा हूँ, फालू ट्रिक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा, अगला क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि sec थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan थीटा है दोस्तों, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है ये, तो साइन थीटा cos थीटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा मैया जी की कसम बता रहा हूँ दोस्तों। लाइक करिए शेयर करिए, केवल आपको 3 काम करना, लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन बताता हूँ, केवल 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा दोस्तों, ये सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड टाइम दीजिए, केवल ट्रिक ट्रिक चलता है दोस्तों, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का जमाना हो गया दोस्तों। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा, अगर आपके क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या करना है, 90 डिग्री रख दीजिए, 90 डिग्री या 0 डिग्री रख दीजिए आपका मान, क्योंकि यहाँ पे मान रखना 90 डिग्री और 0 डिग्री मान इजीली हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या है sec थीटा में क्या दिया, sec थीटा अगर 0 रखते हैं तो sec 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, sec 0 का मान 1 होता है, ठीक है, ये कोष्टक के अंदर लगा लिए, अब है 1 प्लस साइन, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 कर देंगे, ठीक है, अपान cos 0 cos थीटा cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ऊपर क्या है cos थीटा cos 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वही cos 0 का मान होता है, तो cos थीटा दिया हुआ है, cos 0 का मान हो गया, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा दिया, तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, माइनस 2 और यहाँ पे 10 जीरो का मान 0 होता है दोस्तों, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपान 1 आ जाएगा, 1 अपान 1 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आगे दोस्तों ऑप्शन पे देखिए 2 कौन सा दिया हुआ है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कसम गंगा मैया जी की बता रहा हूं दोस्तों, लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत ही फालतू ट्रिक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, कसम गंगा मैया जी की बता रहा हूं दोस्तों, फालू ट्रिक बताऊंगा, दो केवल आपका 2 सेकंड में सॉल्व होगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। चलिए लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मान क्या निकालना है, अगर आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, 10^5 थीटा प्लस कॉट की पावर 5 थीटा की वैल्यू निकालना है, यहां पर आपको क्या है थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए,
थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए, यानी कि टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉट कॉट 45 का मान भी 1 होता है, बराबर आपका कितना 2 दिया, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया। क्या है तो आपकी करनी क्या सेटिस्फाइड हो रही, 2 बराबर 2 हो रहा है, करनी सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि टेन थीटा बराबर 45 रख लेंगे तो हम अपना मान सही आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टेन 5 थीटा प्लस कॉट 5 थीटा, कॉट 5 थीटा पूछा गया है, टेन थीटा की जगह क्या रख लेंगे 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 लिख लेंगे, टेन 45 का मान क्या होता है 1, 1 की पावर 5 कर लीजिए, प्लस कॉट 45 का भी मान भी 1 होता है, 1 की पावर 5 कर लीजिए, 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 5 करेंगे 1, बराबर कितना आएगा दोस्तों, जय कसम गंगा मैया जी की बता रहा हूँ, 2 आंसर आ गया दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, आंसर 2 आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, मजा आ गया, दोस्तों को भी शेयर करिए, बहुत ही अच्छा चैनल है, गंगा जैसे पवित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मजा आ गया, गंगा जैसे पवित्र चैनल है, गंगा जैसे पवित्र चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगा, केवल आपको 5 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज का दो त्रिकोणमिति का ये कंसेप्ट लास्ट है दोस्तों, लास्ट वीडियो, इसके बाद अगला नया चैप्टर लाएंगे, कल नया चैप्टर लाएंगे, सुबह 8 बजे, ध्यान से देखिए इस चैनल को, सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होगा। क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sin 10 मल्टीप्लाई sin 20 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 40 डिग्री की वैल्यू निकालना है। क्या है, sin 10 डिग्री sin 20 sin 30 sin 40 sin 10 20 30 40 डिग्री का मान निकालना है। ये मैंने कोष्टक बनाया, ये मैंने ट्रिक लगाया, कोष्टक बनाया ट्रिक लगाया आंसर आया, कोष्टक बनाया ट्रिक लगाया आंसर आया, वो भी 1 सेकंड में, वो भी 1 सेकंड में कैसे आया, चलिए फाड़ू फाड़ू ट्रिक है दोस्तों, जय श्री राम कसम गंगा मैं जी की बता रहा हूँ, फाड़ू ट्रिक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। sin 10 डिग्री है, अब यहाँ पे करना क्या आपको, कुछ नहीं क्या, बहुत ही सिंपल तरीका है, थीटा की वैल्यू 10 मान लीजिए, 10 बराबर क्या है थीटा मान लीजिए, 10 बराबर क्या मिलना है थीटा मान लेना है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है ये साइन थीटा हो गया तो मान क्या होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई sin 2 थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई sin 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/4 sin 3 थीटा। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन थीटा मल्टीप्लाई sin 2 थीटा sin 4 थीटा की वैल्यू होती है 1/4 sin 3 थीटा। ये वैल्यू आपको निकलना है और ये आपका आंसर आ जाएगा, अब ट्रिक लगाएंगे आंसर आएगा वो भी 1 सेकंड में, कसम गंगा मई जी की बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए sin 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे sin 10 दिया हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, साइन इधर हम क्या माने हैं, 10 की जगह थीटा मान लिए हैं, ये मान लीजिए ये 10 है, ये थीटा हो गया, तो 2 थीटा यानी कि 20 हो गया, 2 में 10 का हो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 ना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 10 है, 20 करें 20 हो जाएगा 4 थीटा, यानी कि sin 2 थीटा sin 4 थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 sin 3 थीटा। क्या वैल्यू है, वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू करेंगे, 1/4 दिया है, 1/4 कर लेंगे, sin 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हम क्या माने 10, यानी कि sin 30 का मान क्या हो दोस्तों, sin 30 का मान क्या होता है, फटाफट बताइए, 1/2 होता है, ये यहां भी आपका sin 30 बचता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, अब किसका आ गया, अब टोटल इनको क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, 1/4 × 2 × 8 × 16, 1/16 आ गया, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मजा आ गया, मजा आ गया, ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, चुटकियों में हल हो गया, चुटकियों में, जय गंगा मैया की, जय श्री राम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो जो एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आज कंसेप्ट समाप्त हो रहा है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, जय श्री राम। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फटाफट देखिए, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन हम बताते हैं, क्वेश्चन आप देखिए सोल्यूशन हम बताते हैं। sec θ + cos θ = √3, क्या दिया हुआ है, sec θ + cos θ की वैल्यू क्या दे रखा है, √3 दिया है, हमें किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है किसकी, sec
sec थीटा sec क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दे रही है sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर रूट थ्री। अब यहाँ पे 1 सेकंड में आंसर आएगा दोस्तों, कसम गंगा मैं जी की बता रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर आएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों ट्रिक पे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, मजा आ जाएगा। जय श्री राम। अब आपको पता है अगर हमारे आप डेली व्यूअर हैं दोस्तों चैनल पे, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि वन अपान एक्स प्लस एक्स बराबर रूट थ्री होता है। वन अपान प्लस एक्स बराबर रूट थ्री कैसे आ गया? हम यहां पे आपको कॉस थीटा बराबर एक्स मान लेंगे, कॉस थीटा बराबर एक्स मान लीजिए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन अपान एक्स। कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, क्या पता है आपको, कि सेक थीटा बराबर वन अपान कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर वन अपान कॉस थीटा होता है, सेक थीटा बराबर वन अपान कॉस थीटा यानी कि वन अपान एक्स हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू एक्स माने तो वन अपान एक्स आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स माने तो एक्स आ गया, ये रूट थ्री आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया ना, इतना आ गया। अब पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एक्स अपान वन अपान एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स पावर थ्री प्लस वन अपान थ्री, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ये क्या होती है? ए क्यूब माइनस थ्री ए, ए क्यूब माइनस थ्री ए, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर आप डेली व्यूअर हैं तो ये पता होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए, ए की वैल्यू रूट थ्री है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस थ्री ए दिया है, यानी कि रूट थ्री की पावर थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री रूट थ्री हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे रूट थ्री दी हुई है। ठीक है, रूट थ्री की पावर क्या हो जाएगा? थ्री रूट थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री रूट थ्री हो जाएगा, तो भैया जीरो ना हो जाएगा, माइनस में है उतनी संख्या जीरो हो जाएगी। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कसम गंगा मैं जी की बता रहा हूँ, फालतू ट्रिक है दोस्तों, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों, जय श्री राम, मजा आ गया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपको तीन काम करना है, कुछ नहीं करना, बाकी हम करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तीन काम करिए आप, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तीन काम करिए, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए, मजा आ गया दोस्तों, जय श्री राम। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आप मैथ रीजनिंग तो हम पढ़ाते हैं, एक और हमारा चैनल है जीके और जीएस का, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, मजा आ गया। जय श्री राम दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर कल फिर आएंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल को। जय गंगा मैया जी की, सभी लोग जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों, कल फिर इसी टाइम पर सुबह 8 बजे मिलेंगे।